इधर 4.5 सालों में एक चीज़ हुआ है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो तकलीफ का एहसास मर जाता है। योगी और मोदी जी ने मुसलमानों पर जितना जुल्म ढाना था ढा लिए, अब लोगों ने इनका डर खत्म हो गया है। नहीं रहती तो कब की अवैसी साहब जेल चले गए होते। आखिर क्यों? क्योंकि उसी पार्टी को लड़ा रही, उस विभाजन करवाएगी, कटवाएगी, अपना फायदा उठाएगी, अपना फायदा उठाएगी। हम नहीं जेल गए अवैसी आदम खान, आप मुसलमान नहीं, आदम खान आप मुसलमान नहीं हो, आराम से आदम खान थोड़ा सा बोले, आदम खान थोड़ा सा बोले, चले गए। अवैसी साहब कितना बोल रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे थे? MIM को मुसलमान वोट नहीं देगा। इससे पहले 38 सीटों पर MIM चुनाव लड़ चुकी है विधानसभा 2017 में। क्यों नहीं देगा, कैसे कह रहे हैं? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो BJP के एजेंट हैं। कैसे कह सकते हैं भाई, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसलिए मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आप योगी, एक बार मुझको एक बात बताइए, हम मुसलमानों का वोट लेकर BJP की सरकार कई बार बनी? कोरोना काल में जो है कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मैं मुबारकपुर में बता सकता हूँ, ऑक्सीजन की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, और आए दिन आपने भी मीडिया के द्वारा सरकार कह रही कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की सरकार झूठ बोल रही है। दर्जनों लोगों का नाम मैं मुबारकपुर में बता सकता हूँ, नाम देकर फला की मौत जो है ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ऑक्सीजन जो उनको समय पर मिल गया होता तो वो उनकी मौत नहीं होती। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में हैं, ये रेशम नगरी है। आपको बता दूं, आजमगढ़ वो धरती है जो अल्लामा शिबली नोमानी के इल्म से पूरी दुनिया को रोशन करती है, तो वहीं एक ऐसा अजीम और मारूफ शायर भी होता है जिसके आवारा सजदे पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कैफी आजमी की। तो वहीं एक ऐसा घुमक्कड़ जो घूमते घूमते ना जाने कितने देशों की यात्राएं कर चुका और उसके बाद कई भाषाओं को सीखा, और सीखने के बाद जब वो आजमगढ़ आता है तो महापंडित राहुल संकृतायन कहलाता है। तो ये वो धरती है, रेशम नगरी है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के। मामला एकदम गर्मा गया है, तमाम पार्टियाँ तमाम नेता अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी कह पाना बेमानी है। तो आज हम लोग यहाँ रेशम नगरी में आए हैं और ये जानने की कोशिश में इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार माहौल किसका है। तो देर ना करते हुए यहीं से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि इस बार माहौल किसका है। नाम बताएं अपना पहले। शकील अहमद अंसारी। शकील भाई, क्या माहौल चल रहा है 22 को लेकर के? 22 में तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जी, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और हर आदमी जो है आसानी से कहीं भी आ जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज जो है बहुत परेशानी है, आना जाना बहुत मुश्किल है, लोग दहशे हुए हैं, डरते हैं, और कोई विकास नहीं हुआ है 4.5 साल की सरकार में। कोई विकास नहीं हुआ। भाजपा के लोग कहते हैं बहुत काम हुआ, बहुत। देखिए, मुबारकपुर जो ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है, बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली की है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में हमको 72 रुपया फिक्स रेट पर जो है एक लूम पर बिजली मिलती थी। उसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने भी उसको बहाल रखा, लेकिन योगी जी जब से आए हैं बिजली को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन बढ़ाया तो नहीं उन्होंने? नहीं, बढ़ाया हुई, लेकिन बुनकरों की बात। लेकिन 11 महीना हो गया है नाम से बिजली का बिल जमा कराया जा रहा है, नाम से ये बताया जा रहा है कि आपको कितना जमा करना है, जबकि बुनकर नुमाइंदे बार बार लखनऊ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आज बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली है। अगर बिजली का दाम ये 72 रुपये से बढ़ा देंगे तो हम लोग भुखमरी के कगार पर चले जाएंगे। मुबारकपुर में जो बुनकरों की सनक है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन आपने कानून व्यवस्था की बात करी। सरकार का दावा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा है कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया आज तक नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल गलत। वो कहते हैं चिन्हित करके जात बिरादरी को उन्होंने गुंडों को मारा है, ब्राह्मणों को मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है, नंबर एक पर बेशुमार मुसलमानों की संपत्तियों को जो है अवैध कह के ढाया गया है, गिराया गया, तबाह बर्बाद किया गया है। यही हाल ब्राह्मणों के साथ भी हुआ है। ये सरकार जो है एक पक्ष की सरकार है, एक पक्ष को आगे बढ़ाना चाहती है और एक पक्ष के लिए सब कुछ किया जा रहा है, एक पक्ष के लिए बस।
हम कुछ लोगों से बात करके आपके पास वापस लौटते हैं। आपका ब्रजेश चौर से। ब्रजेश चौर से। ब्रजेश, ये बताएं कि जो 5-4.5 साल का कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, उसे किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा था। अच्छा है जी। अभी कह रहे हैं कोई विकास कार्य नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। विपक्ष का काम ही बोलना है, हमारा काम हमको बताना है क्या क्या काम हुआ है। क्या काम हुए? आजमगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है विश्वविद्यालय की, जो काफी दिनों से मांग थी, अखिलेश जी भी नहीं कर पाए। सरकार आई गई, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं किया, योगी जी ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस बन के तैयार है, आज मुख्य सचिव आजमगढ़ में है भी, और बाइक कार आए हैं पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, इसका भी उद्घाटन 15 अगस्त के आसपास होने वाला है। तो विकास हुआ ही है, और कोरोना काल में भी 1 महीने में 2-2 राशन दिया गया है, एक फ्री दिया गया है, 1-2 रुपये किलो दिया गया है। तो आपको लगता है इन कामों की वजह से सत्ता में आएगी? कोई टक्कर में है नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। क्या कहना, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जफर अख्तर है। जफर अख्तर जी, क्या कहना कह रहे हैं टक्कर में कोई नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी सरकार जो है वो तानाशाही है, वो सिर्फ विपक्ष है। जैसे आप देख लीजिए, कोरोना काल में, दोनों कोरोना काल में बुरी तरह फलाप हुई है, और न तो विकास का कोई, सिर्फ उनका एक काम है नवीनीकरण और निजीकरण, उसके अलावा कोई कार्य नहीं है। विकास में देख लीजिए एकदम जीरो है। विकास जीरो, नवीनीकरण और निजीकरण दोनों। कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, महाराष्ट्र देख लीजिए, कांग्रेस सरकार, शिवसेना सरकार, उत्तम ग्वाले बहुत बढ़िया काम हुआ है। केरल के भी देख लीजिए, आज वहाँ खेते बढ़ रहे हैं, यूपी में कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन केस कम होते जा रहा है यूपी में, न के बराबर। लॉकडाउन तब तक लाट में लगा हमारे यहाँ, दूसरा लॉकडाउन तो काम हुआ तभी तो कह रहे हैं साथी आपके बगल में। कोरोना काल में जो है कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मैं मुबारकपुर में बता सकता हूँ, ऑक्सीजन की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, और आए दिन आपने भी मीडिया के द्वारा, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की, सरकार झूठ बोल रही है। दर्जनों लोगों का नाम मैं मुबारकपुर में बता सकता हूँ, नाम लेकर फला फला की मौत जो है ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ऑक्सीजन जो उनको समय पर मिल गया होता तो उनकी मौत नहीं होती। जैसे मौलाना कमरुज्जमान साहब, और एक मौलाना असलम मिसबाही साहब थे, और एक मौलाना अब्दुल साफी साहब हैं, एक उनकी अहलिया हैं, मतलब मैं दर्जनों लोगों का नाम जो है, एक हमारे पड़ोस में राजबली कुहार हैं, उनकी पत्नी, एक उनका लड़का, आप नाम लेके गिना देंगे। कोई काम हुआ है सरकार में? कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। जुमलेबाजी जी। यहाँ पे ब्रजेश कह रहे हैं बहुत सारे काम हुए हैं अन्य प्रदेशों के, तो अगर हुआ होता तो हम कहते कि काम हुआ है। जैसे किसानों के लिए तमाम योजना चल रही है, ये बुनकरों के लिए तो एक भी योजना नहीं। किसान तो खुद ही परेशान है, सड़क पे जैसे उनके लिए 6,000 रुपया दिया जा रहा है, सरकार ऐलान कर रही है मिलता है कि नहीं मिलता है, ये हम देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन बुनकरों के लिए कोई योजना नहीं है। बुनकर तब भी भुखमरी पर था, आज भी कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो सिर्फ बुनकर है। बुनकर का है कि उनका बिजनेस बंद है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद है, इनका कोई माल न बाहर जा रहा है न पैसा आ रहा है। ये बेचारे जहाँ 1,000 रुपये काम करते थे, 100 रुपये के लिए तरस रहे हैं। इस समय उनसे जाके पूछिए, ये तमाम लोग बुनकर हैं, ये भुखमरी के कागार पर है, इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। सरकार ने बुनकरों के लिए बेहतर काम किया? वो तो मुलायम सरकार ने किया, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव? हाँ हाँ, वो बिजली कम किए, बुनकरों के लिए सब कुछ किए हैं। वो लगता 22 में इस बार किसकी सरकार आएगी? उम्मीद तो अभी मुबारकपुर में यही है कि अखिलेश को ही। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश की सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? नाम क्या है? मेरा नाम नसीरुद्दीन अंसारी है जी। बताएं, 4.5 साल के कामकाज को भारतीय जनता पार्टी कैसे? जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी है, ओनली जुमलेबाजी है। काम नहीं हुआ, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ, ना दवा के क्षेत्र में हुआ है, ना हॉस्पिटल के क्षेत्र में हुआ है, ना ही बिजनेस के क्षेत्र में हुआ। हाँ, निजीकरण हुआ है, निजीकरण होता रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ राज करो वाली राजनीति रही है, उसके अलावा तो कोई काम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 4.5 साल में कोई काम? 4.5 साल में तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यहाँ तक ये हो रहा कि ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं, उनकी दिक्कतें, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही हैं। अभी हमारे वहाँ हम लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त कटना बिल्कुल बंद हो गया है, कहीं कोई भी नहीं है। पहले हमारा स्लाटर हाउस था, आज करीब करीब 4.5 साल से 2.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। स्लाटर हाउस का क्या मानक है, उस मानक पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार होर्डिंग्स लग रहे, उत्तर प्रदेश को नंबर एक का खिताब दिया जा रहा है, उस किस आधार पे? किस आधार? कोई आधार तो मुझे आधार विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई दे रहा। जो अखिलेश की सरकार में जो कार्य शुरू हुए थे, वो कार्य आज भी मुकम्मल नहीं है, मेरे अपने नज़र से कि आज भी उसको मुकम्मल नहीं हो रहा। हाँ, ये है, अभी हमारे मुबारकपुर की अगर बात किया जाए तो रोडवेज है, अखिलेश की सरकार में बना हुआ, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ।
हमारे वहाँ 6-7 करोड़ 8 करोड़ रुपए की लागत से बुनकरों के लिए कौन सा केंद्र है, विपणन केंद्र है, उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। कोरोना काल में गैस की बहुत ही दिक्कत थी। अगर विशेषतः मुबारकपुर की बात की जाए आजमगढ़ के लिए, तो अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया या किस सरकार ने काम किया? आज तक यहाँ पे अब तक मैं अब जब से हो संभाला तब से लेकर अब तक सपा बसपा दोनों मिलकर एक बार काम किए हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल का। उसके बाद से किसी सरकार ने मुबारकपुर के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, वो बनने से कुछ नहीं होता, उसका बेनिफिट क्या है हुआ, उसका मिलना चाहिए ना बेनिफिट, उसकी सरकार को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सरकारी हॉस्पिटल आज भी जिस हाल में था, जो वो 1995-96 में जो इन लोगों की सरकार मिलके बनी थी, जो भी पैसा आया हुआ था, जो भी सरकारी हॉस्पिटल का काम हुआ था, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। और मरीज के लिए बहुत ही कोरोना काल में तो पूरा पोल ही खुल गया। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझको तो इस वक्त नहीं लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल तोड़ छोड़ जो घोड़ तो अपने मन में चल रहा है। ईवीएम का ही भरोसा कर सकती है भाजपा सरकार, वोट का भरोसा तो नहीं कर सकती। यानी आपको लगता है ईवीएम के सहारे भाजपा, जो आरोप लगते हैं कि ईवीएम के सहारे भाजपा सत्ता में वापस आती है? सर, मैं तो एक बार कहूँगा कि ये सरकार जो है रोजी रोटी छीनने और देने के बजाय छीन लिया है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मुलायम सरकार में, अखिलेश सरकार में अनुदेशक लोग की जो भर्ती हुई थी, उनसे जो है 1,000 रुपया मानदेय जो है काट करके, बल्कि रिकवरी की गई, और काम जो है पूरा जो है टीचरों का लिया जा रहा है। ये सरकार जो है सिर्फ एकदम फ्लॉप जा रही है। यानी 22 में किसकी सरकार? अखिलेश सरकार 22 में किसकी सरकार आपके हिसाब से? कांग्रेस सरकार क्योंकि इस तानाशाह सरकार तानाशाही की बात अलग है, कांग्रेस का अस्तित्व तो क्या है उत्तर प्रदेश में, पहले उस पर बात कर लीजिए। आखिर किस आधार पे कांग्रेस पार्टी आएगी सत्ता में? क्योंकि कांग्रेस विकास पे कार्य करती है, लोगों के हम कांग्रेस तो बहुत साल से बनवास में है उत्तर प्रदेश में, पहले लौटने की बात करिए, विकास बाद में बात होगी। देखिए, कांग्रेस का एक मात्र मुद्दा है कि लोगों की सेवा करना। वो अपने नेता जमीनी स्तर से भेज चुके हैं, वो जमीन स्तर से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जनता के दुख दर्द में अगर कोई लड़ रहा है तो एकमात्र है कांग्रेस। और अगर कोई भी कांग्रेस लड़ रही है जी, बिल्कुल। तमाम मुसलमानों के आरोप लगते रहे कि आज मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ऐसा है? बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी का नहीं, बल्कि दलितों की जो बर्बादी हुई है उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियों को मानता हूँ, क्षेत्रीय पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को तुष्टिकरण की राजनीति की है, और इस तुष्टिकरण पार्टी से मतलब तुष्टिकरण की राजनीति से निकलना होगा। और अब जो इनके पास तुष्टिकरण करने का जो मौका था, भाजपा को सामने रख कर कि भाजपा आ जाएगी, अब इधर 4.5 सालों में एक चीज़ हुआ है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो तकलीफ का एहसास मर जाता है। योगी और मोदी जी ने मुसलमानों पर जितना जुल्म ढाना था ढालिए, अब लोगों ने इनका डर खत्म हो गया है। अब भाजपा सरकार आए या सपा सरकार या बसपा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लगता है कि अब हमको काम करना है और खाना है जीना है। इधर मैं देख रहा हूँ तमाम मोर्चे बने हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, उनको पद दिया जा रहा है। तो यानी जैसा ये कह रहे हैं कि अब डर खत्म हो चुका है, अब किसी की बपौती नहीं रहेगी मुसलमानों का? ऐसा है, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या उनको कोई किसी संघ का अध्यक्ष या पद दिया जाता है, वो निजी अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। समाज की नज़र में ऐसे लोग जो है समाज की नज़र से गिरे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए। अच्छा, एक बात बताइए, एक लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, अब की बार MIM की असादुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बहराइच में कार्यालय 27 जिलों के चुनावी जो कामकाज होंगे देखने के लिए खुल गया है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में MIM के आने से जो मुसलमानों के वोट को लेकर राजनीति कर रहे थे, अब उनकी आप? हाँ, मतलब मुसलमानों के लेकर राजनीति करने की है ये, आप या कोई भी जो कहता है, पार्टी सबको लड़ने का हक है। MIM लड़े, समाजवादी लड़े, BSP लड़े, चौहान की कोई पार्टी लड़े, सब कोई लड़ सकता है। अगर IMI जो लड़ रही है, इस पर लोगों का जो एतराज़ है वो मुझको समझ में नहीं आता। लड़ने का सबको अधिकार है, वो 100 सीट पर लड़ें, 50 सीट पर लड़ें, 5 सीट पर लड़ें, वो उनकी मर्ज़ी है, और पब्लिक का है उसमें से चुनना है, क्योंकि
तुष्टिकरण वाली राजनीति खत्म हो गई है। कुछ लोग MIM के भी साथ रहेंगे और 100 सीट पर अगर वो लड़ रही है तो बेहतरी कर रही है, उसको लड़ना भी चाहिए, उसका कैंडिडेट अच्छा रहेगा, उसको लोग पसंद करेंगे तो उसको वोट करेंगे। MIM के आने से क्या समीकरण बदलेंगे उत्तर प्रदेश में? कोई समीकरण नहीं बदलेंगे और MIM को मुसलमान वोट नहीं देगा। इससे पहले भी 38 सीटों पर MIM चुनाव लड़ चुकी है विधानसभा 17 में। क्यों नहीं देगा, कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो BJP के एजेंट हैं। कैसे कह सकते हैं भाई, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसलिए मैं कह सकता हूँ, नहीं इसलिए मैं कह सकता हूँ, बात सुनिए, इसलिए मैं कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आप जोगी, एक बार मुझको एक बात बताइए, हम मुसलमानों का वोट लेकर BJP की सरकार कई बार बनी, मुसलमानों का वोट लेकर BJP की सरकार, BJP के समर्थक यही उनसे पूछ लेते ब्रिजेश, क्या MIM के आने से भाजपा को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। लोग तो कहते हैं पीछे से आवाज आ रही है, आगे आइए। कुछ नहीं फायदा होगा, भाजपा को नहीं फायदा होगा, नहीं होगा। फायदा है उसको, इसलिए फायदा है उसको, इसलिए तो उसको लड़ा रही है, वही तो पार्टी है, MI पार्टी वही है, BJP का पार्टी जो बी कहते हैं वो मामला, BJP की पार्टी है, BJP की बी टीम है वो। कोई भी आदमी, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। पार्टी नहीं रहती तो कब की अवैसी साहब जेल चले गए होते? आखिर क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी वो लड़ा रही, उस विभाजन करवाएगी, कटवाएगी, अपना फायदा उठाएगी, अपना फायदा उठाएगी। हम नहीं जेल गए, अवैसी आदम खान थोड़ा सा बोले चले गए, अवैसी साहब कितना बोल रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे थे? वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हीं के पैसे से वो लड़ रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको जवाब मैं दे सकता हूँ, इनका आपको बंगाल में वैसी साहब गया चुनाव लड़ने के लिए, बंगाल की जनता ने उनको निकाल दिया। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी उनका होगा, उनको कहीं वोट नहीं मिलेगा। इससे पहले वो 38 सीट पर चुनाव लड़े थे, उनका वोट 0 पॉइंट था, इस बार उससे भी कम रहेगा। दाल नहीं गलेगी? बिल्कुल दाल गलेगी, गलेगी, गलाएंगे हम लोग दाल। नौजवान IM के साथ है, MIM के साथ है और वो एकदम मूड बना चुका है, भाजपा से डर खत्म हो चुकी है। इन लोगों का जो है सपा बसपा के जो मुस्लिम है, जो ठेकेदार हैं मुसलमानों के, उनका यही है कि वो बी पार्टी है। कोई भी पार्टी लड़े, आज़ाद कैंडिडेट लड़े तो मुसलमान का दुश्मन नहीं। कोई मुसलमान कैंडिडेट अपना फॉर्म 5,000 रुपए का फॉर्म भर के लड़े तो वैसी साहब मुसलमान जो पार्टियां बनाए हैं, जैसे पीस नहीं, पार्टी नहीं, के हैं, सुन लीजिए, उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी, उससे गठबंधन का पार्टी, हर पार्टी को अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, जिनको गठबंधन करना है वो कर सकता है, जिनको नहीं करना है। मैं यहाँ चुनाव नगर पालिका में 80% हमारी आबादी है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ता, क्यों 50 लोग लड़ रहे हैं? लड़ने का सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, भारत का ये लोकतंत्र है। ये सर इल्ज़ाम है कि कोई बी और सी और डी नहीं होता, क्योंकि इसके पहले नेता कह चुके थे, जो एक संत हैं, उन्होंने कहा था कि क्या नाम है ओवैसी साहब हमारे आदमी है, खुलेआम TV पे कहा था, अगर बी टीम होती तो 4-3 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, 100 सीट पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? वही शायद जहाँ पे मुसलमान मजबूत है वहीं पे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ मुसलमान, साक्षी महाराज ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाईजान हमारे लिए काफी है, जिताने के लिए भाईजान आ जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। ये साक्षी बिल्कुल कहना है, दुश्मन अगर कह रहा है कि भाईजान आ जाए तो हमको जिताने के लिए काफी है, तो इसका मतलब तो आपको समझना चाहिए, यानी गेम चल रहा है। गेम का यहीं से जानते हैं। एक बार आखिरी सवाल, इस बार किसकी सरकार बताइए? इस बार अखिलेश की सरकार बनी है। अखिलेश यादव, कांग्रेस सरकार, किसकी सरकार? भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी। वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आप बसपा की सरकार, बसपा की सरकार। तो देखा आपने, जनाधार ही कहाँ बचा हुआ है, बसपा के पास इतना जनाधार है कि समाजवादी पार्टी ने 47 सीट जीती थी चुनाव में 17 में, और हम 19 सीट जीते थे, लेकिन हमारा वोट 23% था और समाजवादी पार्टी का 21% था। आज भी जनाधार हमारा जो है पूरे भारत में नंबर 3 पर है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 3 की पार्टी है।
तो देखा आपने, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत किया, बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ पार्टियों के समर्थक भी हैं, आम जनता के साथ साथ कुछ पार्टियों के समर्थक भी हैं जिन्होंने बखूबी बड़े अंदाज के साथ अपनी अपनी पार्टियों के की बातों को आगे रखा और अपनी अपने तरीके से अपने अपने जीत के दावे किए। हम अग्नि परीक्षा की टीम के साथ हैं और ऐसे ही तमाम शहरों में जा रहे हैं। मुबारकपुर विधानसभा में हैं, रेशमी नगरी है, यहाँ पे रेशम का कारोबार होता है, यहाँ की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और जो इन सब की राय निकल के आई है उसे भी आप सबने देखा कि किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये भारत का लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है, हमें इसका अधिकार देता है कि हम कहीं से कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर चुनाव हो रहा है तो, ये भारत का लोकतंत्र कहता है। वहीं दूसरी ओर शकील भाई जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि MIM सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में उतरी है, तो वहीं MIM के समर्थक जो हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के जो समर्थक हैं युवा हैं वो दम बांध रहे हैं कि नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं, हम भी चुनाव लड़ेंगे और हमारे लड़ने से कोई जीते कोई हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इस तरह की बातें यहाँ के युवा कर रहे हैं। वहीं जफर आलम हैं, युवा हैं, कांग्रेस के समर्थक या युवा नेता हो सकते हैं ये, इन्होंने भी दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, वो कैसे आएगी ये ही जानते हैं, पार्टी की नीतियां होंगी, रणनीतियां होंगी। बहरहाल आपको लेकर चलते हैं फिर कहीं और, किसी और विधानसभा में, और दिखाते हैं वहां पे जनता के मन की बात, जनता किसे इस बार 2022 में यूपी की सत्ता सौंपती है। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।